हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। माय नेम इज़ विपिन गुप्ता एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू रोलेज थ्योरम। इसको रोलेज थ्योरम हिंदी में लिख देते हैं, जनरली इसको बोलते हैं रोलेज थ्योरम। ठीक है, तो रोलेज थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे और इसके न्यूमेरिकल आज कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। चलो स्टार्ट करते हैं रोलेज थ्योरम स्टार्ट। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, आपके पास ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो रोलेज थ्योरम की क्या क्या कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कंडीशंस हैं वो है कि फंक्शन आपका फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस इन गिवन इंटरवल लाइक ए टू बी इन अ क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट में फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, दूसरा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ए टू बी ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट में डिफरेंशिएबल होना चाहिए क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट पर शो नहीं करते। ठीक है, जैसे मैंने स्टार पेज का कॉन्सेप्ट बताया था, वो स्टार पेज मतलब एक तीखा पॉइंट, तो अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूँगा तो वो भी तो एक तीखा ही पॉइंट हो जाएगा स्टार पेज कॉर्नर वाला, इसलिए वहाँ पर तो बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। जैसे अगर मैं कर्व बना दूँ तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी टेंजेंट आ सकती है, हज़ारों, क्योंकि कई सारी लाइनें जा सकती हैं यहाँ से। तो समझ में आ गया, इसलिए एंड पॉइंट, एग्जैक्टली एंड पॉइंट्स को स्किप कर देते हैं। तो ये ओपन ब्रैकेट का क्या मीनिंग होता है कि ए बी को कंसिडर नहीं करना है, उनकी बीच की वैल्यूज को कंसिडर करना है। ओके, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, क्लोज ब्रैकेट में डिफरेंशिएबिलिटी शो करनी चाहिए ओपन ब्रैकेट में, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो रोल्स थ्योरम आपकी वेरीफाई हो गई। ठीक है, इफ थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन रोल थ्योरम ऑल्सो वेरीफाई। रोल्स थ्योरम एक बार वेरीफाई होगी तो 100% हम लोग कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, एक सी एक वैल्यू मिलेगी, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट सिंगल वैल्यू सी, और जो कि ए बी की बीच की होगी, और वो वैल्यू ऐसी होगी कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया जाए और वो पॉइंट को एंटर कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। ये आप पूरा नोट कर लो, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है हम वो भी डिस्कस करेंगे। ये तो आपने थ्योरी टाइप से समझ लिया है। रोलेज थ्योरम में आप क्या पढ़ रहे हो, एक फंक्शन जो गिवन है वो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए ओपन ब्रैकेट में, उसके बाद में डिफरेंशिएबिलिटी शो करनी चाहिए ओपन ब्रैकेट में, सॉरी क्लोज ब्रैकेट में कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, तब 100% हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक पॉइंट होगा सी जो ए बी के बीच में कहीं ना कहीं होगा और एफ डैश सी की वैल्यू जीरो देगा। ये से आपकी वो सी वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो आप बता देंगे यस सी जो है वो ए बी के बीच में है। ये तीनों पैटर्न होने चाहिए, जल्दी से कॉपी करो। ठीक है, और आज के न्यूमेरिकल्स काफ़ी लेंथी है तो मैं ऐसा करता हूँ न्यूमेरिकल्स को दे देता हूँ। ये रहे आपके न्यूमेरिकल्स, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम लोग इसका थोड़ा ग्राफिकल फंडा देख लेते हैं, ग्राफिकल में क्या चीज़ है। आपके पास कोई ग्राफ है, सपोज मैंने ग्राफ इस टाइप का बना दिया। ठीक है, अब ग्राफ में मैं ए से बी की वैल्यू दे देता हूँ, ये x इज इक्वल टू ए है और ये x इज इक्वल टू बी है। ठीक, अब इस ग्राफ में ये जो फंक्शन गिवन है इसको मैंने बोल दिया f ऑफ x। अब ये दिख रहा है कि फंक्शन मेरा a से b कंटिन्यूस है क्लोज ब्रैकेट के साथ, क्योंकि a कंसिडर है और यहाँ पर b भी कंसिडर है, b भी कंसिडर किया जा रहा है। अच्छा, a और b ओपन ब्रैकेट में ये डिफरेंशिएबल है क्योंकि स्मूथ कर्व है, और ये आपको बता चुका था मैं, ये सब आपको नॉलेज काम आएगी कि कौन सा कर्व कैसा है जो हमने कंटिन्यूस में पढ़ा था। मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ, साइन कॉस इनके कर्व आपके कंटिन्यूस होते हैं लगातार। टेन एक्स का जो कर्व होता है ये आपकी पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, ये इसका एसिम्प्टोट, और ये आपका टेन का ग्राफ है। तो टेन तो लगातार कंटिन्यूस है लेकिन कहाँ तक है, π/2 माइनस π/2 to π/2 अगर स्किप कर दें तो बीच में कंटिन्यूस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑड नंबर ऑफ π/2 पर ये कंटिन्यूस नहीं होता है, ये इसका एसिम्प्टोट है।
ये पाई बाई टू हो गया, ये पाई आ जाएगा, और फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 पाई बाई टू, 2 पाई, 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू। आप देखेंगे माइनस पाई बाई टू पर ये स्किप हो रहा है, पाई बाई टू पर स्किप हो रहा है, उसके बाद 3 पाई बाई टू पर स्किप होगा, फिर 5 पाई बाई टू पर ये स्किप हो जाएगा। कंटिन्यूस कहाँ होता है, ये ओपन ब्रैकेट में होता है कंटिन्यूस। लेकिन साइन कॉस के तो कर्व आप लोगों को पता ही, हम लोगों ने डिस्कस किए भी हैं। तो साइन एक्स का जो ये कर्व है ये लगातार भाग रहा है, ये लगातार कंटिन्यूस है। कॉस का जो कर्व होता है वो कर्व आपका थोड़ा ऊपर से बनता है, यहाँ से बनता है, ये भी आपका लगातार कर्व चल रहा है, यहाँ भी लगातार चल रहा है, तो ये भी कंटिन्यूस है। कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन अगर गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव कह दो, कुछ भी कह दो, तो ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो सारे कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कंटिन्यूस में आप लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, कंटिन्यूस की बातें धीरे धीरे आती रहेंगी तो मैं डिस्कस करता रहूँगा। ओके, मैं अपनी बात पर आता हूँ। तो फंक्शन तो कंटिन्यूस मैंने बता दिया, क्योंकि ये सब नॉलेज से पता चल गया, ये सब नॉलेज से काम आएगी चीज़ें। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन कंटिन्यूस है, और यहाँ पर दिख रहा है कि अगर मैं फंक्शन में ए एंटर करता हूँ तो एफ ऑफ ए मिलेगा मुझे, ये देखो एफ ऑफ ए मिलेगा, और अगर फंक्शन में बी एंटर करता हूँ तो एफ ऑफ बी मिल गया, और बाई चांस दोनों की वैल्यू एक ही मिल रही है, तो 100% ये कहा जा सकता है कि इसके बीच में कहीं ना कहीं सी एक लाई कर रहा होगा, जिसकी जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। मैंने ये सब क्या कह दिया, क्योंकि एफ डैश एक्स ये तो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव में अगर पर्टिकुलर पॉइंट एक एंटर कर दूंगा उसको जीरो के बराबर लिख दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप जीरो है। अब ये एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप जीरो है और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये लाइन है, इसका स्लोप क्या है, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखा है। आप चाहो तो इस डायग्राम को नोट कर दो। तो यहाँ पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जा सकती है और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा एक्स इज इक्वल टू सी, तो जो सी है वो आपका ए और बी के बीच में कहीं लाई कर रहा है, सी बिलोंग्स टू ए टू बी, और एफ डस सी, एफ डस सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, स्लोप जीरो, क्योंकि टैन थीटा, थीटा जीरो है तो टैन थीटा, टैन जीरो की वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। ये आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, आपको जल्दी से समझ में आएगा। हाँ, न्यूमेरिकल लेने से पहले मैं कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लूँ। अगर आपके पास पहला फंक्शन है एफ, इसकी डोमेन है डी वन, डोमेन मतलब डोमेन मेजर ऑन एक्स एक्सिस, एंड दूसरा फंक्शन है जी जिसकी डोमेन है डी टू, और दो फंक्शन ही आपस में ऐड हो रहे हैं, या दो फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, या दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों, या दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों, तो इनकी मिलने वाली जो डोमेन होगी, इनकी जो मिलने वाली डोमेन होगी वो इस टाइप से चलती है, डी वन इंटरसेक्शन डी टू, D1 intersection D2, ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी बात और है, ये वो पॉइंट को स्किप कर देगा जहाँ पर ये फंक्शन आपका जीरो दे रहा था, इन पॉइंट्स को वो स्किप कर देगा, वो छोटी सी बात ये है। अच्छा, एक बात मैं ये बताऊँगा, दूसरी बात मैं क्या बताऊँगा कि ये सारे फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, पहला फंक्शन ये कंटिन्यूस, दूसरा फंक्शन ये कंटिन्यूस, तो दोनों का समेशन कंटिन्यूस होगा, इन दोनों का सबसे कंटिन्यूस होगा, प्रोडक्ट कंटिन्यूस होगा, और ये डिवीजन भी कंटिन्यूस ही होगा। आप इसको भी नोट कर लें, ए फंक्शन एफ कंटिन्यूस एंड फंक्शन जी कंटिन्यूस, देन समेशन कंटिन्यूस, सब्सट्रैक कंटिन्यूस, प्रोडक्ट कंटिन्यूस एंड सब्सट्रैक कर दिया, डिवीजन डिवाइड कर दिया तो भी कंटिन्यूस ही होगा। ओके, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है ताकि हमारी रूल्स थ्योरम का कोई भी न्यूमेरिकल गलत ना हो जाए। अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। आज के न्यूमेरिकल्स मुझे बुक से पिक करने पड़ेंगे, ये मेरे पास बुक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं बुक से पिक कर रहा हूँ, और मैं इन न्यूमेरिकल्स की पिक भी आपको दे चुका हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं न्यूमेरिकल उठाता हूँ यहाँ से। ओके, जो आपका स्क्रीनशॉट में मैंने सेंड किया हुआ है वो न्यूमेरिकल लेता हूँ, हालाँकि ये न्यूमेरिकल बोर्ड में है, आया था, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 6। क्या लिखा है, वेरीफाई द कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहले कंडीशन वेरीफाई करनी है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस लॉग थ्री ऑन माइनस वन टू वन, ऑन लिखा हो इन लिखा हो उससे कोई घबराना नहीं, वो इंटरवल की बात कर रहे हैं। फाइंड द पॉइंट इन द गिवन इंटरवल वेयर द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स, मतलब वो क्या पूछ रहा है, एफ डैश सी, सी की वैल्यू पूछ रहा है, सी फंक्शन में डालेंगे तो वाई आ जाएगा।
बुक है, बाद की बात है, तो पहले दिन के रोज़ फिर सारी कंडीशन वेरीफाई कर दो। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत इम्पोर्टेंट बता रहा कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मॉड एक्स का एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों को पता है ये फंक्शन लगातार कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस किस में है, एक्स बिलोंग्स टू होल आर, एक्स बिलोंग्स टू होल आर में कंटिन्यूस है। अगर आपसे बोला जाएगा कि डिफ्रेंशिएबल है क्या ये फंक्शन होल आर में, ये डिफ्रेंशिएबिलिटी शो नहीं करता, हम ये प्रूव कर चुके हैं, डिफ्रेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में जाके आप चेक कर लो, ये एग्जैक्ट जीरो पॉइंट पर डिफ्रेंशिएबिलिटी शो नहीं करता, समझ में आ गया। तो मतलब क्या हो रहा है कि अगर ये फंक्शन डिफ्रेंशिएबल होता तो 100% कंटिन्यूस होता, लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो 100% ये सच नहीं है कि वो डिफ्रेंशिएबिलिटी भी शो करेगा। क्या मेरी बात समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? अगर ये डिफ्रेंशिएबिलिटी शो करता तो कंटिन्यूस है, ये तो बात पक्की सच है, क्योंकि डिफ्रेंशिएबिलिटी मतलब लास्ट पॉइंट कंटिन्यूस होगा तब वो डिफ्रेंशिएबिलिटी शो करेगा, लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो ये गारंटी नहीं है कि वो डिफ्रेंशिएबिलिटी शो करेगा, क्योंकि ये एग्जांपल मेरे पास है। पॉइंट समझ में आ गया? अब देखो मैं यहाँ पर ये पॉइंट क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन गिवन है, ये मुझे डायरेक्ट दिख नहीं रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है गिवन डोमेन में कि नहीं है, अब मुझे पता नहीं है। अब कंटिन्यूस बता नहीं सकते, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन तो कैलकुलेट कर सकते हैं। आओ इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं, फिर हम देख लेंगे कंटिन्यूस देगा कि नहीं देगा। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, तो एफ डैस एक्स, इसीलिए मैंने पहले डिफ्रेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से कवर करा दिया, लॉग समथिंग देगा वन ओवर समथिंग, और मल्टीप्लाई इस वाले पार्ट का अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो कितना मिलेगा 2x, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो आपके पास जो डिफ्रेंशिएशन आया है वो डिफ्रेंशिएशन ये लिखा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 2। अच्छा इस फंक्शन की डोमेन कितनी है, इस फंक्शन की डोमेन कितनी है, ये जो एफ डैश एक्स इसकी डोमेन कितनी है, ये पार्ट जीरो नहीं हो सकता है, तो जीरो होगा भी नहीं, क्योंकि x ये जो मिनिमम वैल्यू है 2 है, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो सकती है, अगर आप माइनस रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। क्या पॉइंट समझ में आ गया? ये वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकती, ये 0 कर दो तो अच्छी बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो होल आर है, और जो फंक्शन गिवन था वो कैसा गिवन है, -1 to 1, तो -1 to 1 तो बीच में आ ही रहा है, मतलब डिफ्रेंशिएबिलिटी शो कर रहा है कहाँ पर, -1 to 1, तो आप क्या लिखेंगे, हेंस डिफ्रेंशिएबिलिटी हो चुकी है, तो मैं कंटिन्यूस बता रहा हूँ, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस इन गिवन डोमेन, क्योंकि ये होल आर तो दिया नहीं ना उन्होंने, तो हम जो डोमेन दिए बोथ, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस इन दिस एंड फंक्शन इज डिफ्रेंशिएबल, डिफरेंस ऑपरेटर में लिखते हैं डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट, हालांकि हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ना लिखो तो चलेगा। इतनी दो बातें हमने बता दी, दो कंडीशन हमने प्रूव कर दी, पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन प्रूव कर दी, रोल्स थ्योरम अगर भी प्रूव करना है तो तीनों कंडीशन बताना पड़ेगा। तो तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ ए, जो पहला पॉइंट है उसको ए बोलते हैं, तो पूरे फंक्शन में एफ ऑफ ए एंटर कर दो, तो लॉग -1 का स्क्वायर 1 होता है तो लॉग 3 हो जाएगा ये, और -log 3 लिखा हुआ है तो ये आएगा 0, और एफ ऑफ 1 कितना देगा, ये फिर से 3 मिलेगा आपको, और ये log 3 मिलेगा अगेन, और ये फिर से 0 आया, इसका मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई है, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गई हैं तो रोल्स थ्योरम इसका मतलब सेटिस्फाइड हो गई है, ठीक है। उसने क्या बोला था, सबसे पहले यही बोला उसने, वेरीफाई द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, तो ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है, रोल्स थ्योरम। अब हम 100% कह सकते हैं कि अगर तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम के सेटिस्फाइड हो जाएं तो 100% सी एक ऐसा पॉइंट होगा जो -1 और 1 के बीच में लाई करता होगा, जहां पर इस कर्व की जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, दैट मीन्स एफ डैस सी इज इक्वल टू 0। इतनी बात आप कॉपी कर लो जल्दी से, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एफ डैस सी अभी बिल्कुल लास्ट में लिखा गया, तो एफ डैस सी 2c/c² + this = 0। अब इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो c की वैल्यू तो 0 आ गई ना। अब c क्या है, c एक ऐसा पॉइंट है जो x एक्सिस पर मेजर करते हैं, तो c एक ऐसा पॉइंट है जो x एक्सिस पर होता है, तो y क्या होगा, तो f ऑफ जो x होता है उसी को हम लोग y बोलते हैं। अब यहाँ पर c की वैल्यू एंटर कर दो, तो c की वैल्यू है कितनी,
एफ ऑफ सी लिख दो, क्योंकि मैं सी एंटर कर रहा हूँ तभी तो वाई हो जाएगा पर्टिकुलर, तो ये मिल जाएगा मुझे लॉग सी की वैल्यू जीरो, तो मुझे मिलेगा टू माइनस लॉग थ्री, और यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो टू ओवर थ्री। तो आपको तो पॉइंट चाहिए, तो आंसर कितना आएगा, जीरो कॉमा लॉग टू ओवर थ्री, ये आपके पास पर्टिकुलर पॉइंट आएगा। ये कॉमा लगाया मैंने बीच में, ठीक है, यही पॉइंट आपको फाइंड करना है। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो जो टेंजेंट मिलेगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि कर्व बनाना बहुत टफ है, इसलिए ये सब करना। चलो ये कॉपी कर लो। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कम करो लेकिन क्वालिटी के करो। ये आपकी प्लस टू की क्लास है, छोटी क्लास में तो हम लोग क्वालिटी क्वांटिटी दोनों देखते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ क्वालिटी देखी जाएगी, क्वांटिटी तो बस होती रहती है। सेवन्थ न्यूमेरिकल चाहूँ तो मैं स्किप कर दूँ, पर एक न्यूमेरिकल मैं ले लेता हूँ, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा। अप्लाई रोलेस थ्योरम टू फाइंड पॉइंट और पॉइंट्स। पॉइंट्स ऐसा क्यों बोलते हैं, इसमें ऐसा क्यों हो सकता है ना कि कभी कभी ग्राफ ऐसा भाग रहा हो, इस टाइप का भाग रहा हो, ठीक है, उसने एक पॉइंट यहाँ का ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। तो अब जरा देखना, ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है, तो ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूस है, ये फंक्शन पूरा डिफरेंशिएबल है। एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी भी दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर दो वैल्यू मिल रही हैं। हम तो सी ए की वैल्यू कंसिडर करते थे, ए की बीच की वैल्यू जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक पैरेलल लाइन यहाँ मिलेगी और एक पैरेलल लाइन यहाँ मिलेगी, देखो दो पैरेलल लाइन मिल रही हैं। इसीलिए क्वेश्चन में भी लिखा जाता है पॉइंट और ब्रैकेट में लिखा है और पॉइंट्स, इसका मीनिंग समझ में आ गया, क्योंकि एक भी पॉइंट हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है। ऑन द फॉलोइंग कर्व्स वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले बात तो कर्व क्या, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन ओपन इंटरवल, सॉरी माइनस टू 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 इन अ क्लोज इंटरवल, वो हमेशा क्लोज में देगा। अब ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला ये सब लोग जानते हैं, ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, प्लस वन में आप पैराबोला सीख के आए हो, ये पैराबोला है। और पैराबोला माइनस दो से प्लस दो के बीच में कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, तो आप क्या लिखेंगे कि फंक्शन इज, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड गिवन डोमेन। ओके, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन गिवन डोमेन ओपन इन इंटरवल, इन क्लोज ब्रैकेट इन ओपन ब्रैकेट। अब हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे, पहले तो एफ ऑफ माइनस टू निकालेंगे तो फोर आएगा, और एफ ऑफ टू निकालेंगे तो फोर आएगा, दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू एफ ऑफ टू। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई रूल से। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो हमारा क्या वर्क होता था, तब हमारा वर्क होता था एफ डैश सी। इसका मतलब पहले मुझे एफ डैश फाइंड करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स कितना आएगा, टू एक्स आएगा, तो एफ डैश सी जो होगा वो जीरो होगा, ये हमें पता है। तो हुआ क्या, टू सी की वैल्यू जीरो हो गई, तो सी की वैल्यू होगी जीरो, ये तो सी जीरो होगा। तो आपको अगर पॉइंट निकालना है तो सी जीरो है, आप समझो बात को, ये तो कर्व था, तो यहाँ पर जो टेंजेंट निकलेगी वो है टेंजेंट, वो तो पता ही है, ये तो सी जीरो हो गया। तो अब ये सी जीरो निकल गया तो मतलब एक्स जीरो आ गया, तो वाई वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, ये तो एक्सिस निकल गया, ऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो इसी पर्टिकुलर को फंक्शन में जाकर एंटर कर दो, तो वाई इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू जीरो, तो पॉइंट इज जीरो जीरो, पॉइंट इज जीरो कॉमा जीरो, वो दिख भी रहा है ग्राफ से, दिख भी रहा। ओके, हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। अब एक उसमें कैलकुलस का न्यूमेरिकल भी पड़ा हुआ है, फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लिखी है, माइनस वन प्लस कॉस एक्स, और जो पॉइंट गिवन है वो जीरो टू टू पाई गिवन है इन अ क्लोज ब्रैकेट, जीरो टू टू पाई, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। मैं बता चुका था कॉस एक्स है तो कंटिन्यूस तो था ही, पता है आपको माइनस वन प्लस वन कोई भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट फंक्शन होता है, ये भी कांस्टेंट, ये भी ये कांस्टेंट फंक्शन है, और ये आपका ट्रिगोमेट्री का फंक्शन है जिसमें कॉस है, ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस होता है, क्योंकि माइनस वन का कर्व कैसा होता है, ये आपके एक्स एक्सिस में माइनस वन की लाइन ये है, वाई इज इक्वल टू माइनस वन, ये कंटिन्यूस तो है, ये लगातार कंटिन्यूस है, कॉस का ग्राफ है कंटिन्यूस, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोनों का समेशन गिवन है मतलब फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस इन गिवन डोमेन, क्लोज ब्रैकेट में ही लिखनी है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओपन ब्रैकेट में लिखना है इस बार। ओके,
एफ ऑफ ए निकालना है पहले, तो माइनस वन प्लस कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो जीरो हो जाएगी। एफ ऑफ टू पाई, अगर मुझे एफ ऑफ टू पाई निकालना है तो माइनस वन प्लस कॉस टू पाई, और कॉस टू पाई की वैल्यू क्या होती है, देखो मुझे चीज़ें याद नहीं रहती लेकिन मेरे पास तो ग्राफ है, ये देखो ये जीरो और यहाँ पर ये होता है टू पाई, तो इसकी वैल्यू होती है वन, तो इसकी वैल्यू वन है माइनस वन, तो मैं वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो लिख देता हूँ, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। एफ ऑफ जीरो जो है वो एफ ऑफ टू पाई के बराबर है, मतलब मोस्ट थ्योरम वेरीफाई हो गई। तीन पॉइंट हमें बताने थे, मैंने तीनों पॉइंट बता दिए। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए होता है पॉइंट, तो पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं एफ डैश एक्स, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, माइनस वन का जीरो ही आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, तो एफ डैश सी जो होता है वो जीरो के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम, क्योंकि तीनों पॉइंट कंडीशन से सेटिस्फाइड हो गई हैं। तो अब क्या लिखूंगा, जीरो इज इक्वल टू माइनस साइन सी, तो साइन सी की वैल्यू वो जीरो है। अब मुझे सी की वैल्यूज निकालनी है, हमने प्लस वन में एक चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, यहाँ से सी की बहुत सारी वैल्यूज निकल सकती हैं, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी आ सकती है एन पाई के बराबर, देखो कहाँ कहाँ जीरो, बहुत जगह जीरो, जीरो 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 पाई टू पाई थ्री पाई लाइक एन पाई, एन पाई पर ये पूरा जीरो है, लेकिन आपको ज़्यादा जाना ही नहीं है क्योंकि जीरो और टू पाई के बीच में कंसिडर करना है, जीरो टू पाई के बीच में कंसिडर करना है, ना तो मैं जीरो लूँगा ना मैं टू पाई लूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट इंटरवल लगा दिया डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, तो मुझे भले ही चाहे पूरा क्लोज ब्रैकेट गिवन हो लेकिन जब ओपन ब्रैकेट में चेक करेंगे सिर्फ ओपन ब्रैकेट में, एंड पॉइंट पर स्किप कर देंगे क्योंकि कहानी ओपन ब्रैकेट पर पहुंच चुकी है, तो इस पॉइंट भी निकाल दो, एक ही ऐसा पॉइंट है जहां जीरो मिलता है, इसका मतलब वो सी की वैल्यू पाई आ सकती है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सी इज इक्वल टू पाई। अगर आपको पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए था, ये सब समझ गए, अगर आपको पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए तो सी को उठा के यहाँ पर एंटर कर दो, तो एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी तो कितना आएगा, माइनस वन प्लस कॉस पाई, अब कॉस पाई की वैल्यू क्या है, कॉस पाई का ग्राफ फिर से देख लो एक बार, ये ग्राफ है आपका, यहाँ पर पाई होता है, ये पाई है, तो कॉस पाई की वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वन माइनस टू लिख दूँ मैं डायरेक्ट माइनस टू, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया। मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं बार बार देखो ग्राफ बना के रब कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो आपके पास पॉइंट क्या होगा, पाई कॉमा माइनस टू, ये आपके पास पॉइंट होगा पर्टिकुलर, आप इसको कॉपी कर दो, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ओके एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, एट्थ न्यूमेरिकल, क्या लिखा है तो मेरे को, एग्जामिन इफ रोलेस थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, रोल्स थ्योरम होल्ड कर रही है, उन्होंने बोल दिया एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इन वन टू टू इन ऑफ क्लोज ब्रैकेट एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू फोर ओवर थ्री पर होल्ड करती है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब रोल्स थ्योरम होल्ड कर रही है, इसका मीनिंग पता क्या हुआ कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट बट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट, ओके एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो कंटिन्यूअस से मुझे कुछ नहीं मिला, डिफरेंशिएबिलिटी से भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या मिल रही है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ वन की वैल्यू कैलकुलेट कर, तो वन प्लस ए प्लस बी, एफ ऑफ ए वन हो गया, अब f ऑफ टू की वैल्यू कैलकुलेट करो, दिस इज 8 प्लस 4a प्लस 2a, बोथ आर इक्वल क्योंकि कंडीशन आपको पहली गिवन है, ये रोज थोड़ा वेरीफाई कर रहा है, दैट मीन्स 1 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 8 प्लस 4a प्लस 2a, यहाँ से मुझे मिलेगा 3a और ये मुझे मिलेगा, मैंने छोटे मिस्टेक कर दिए, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया और यहाँ पर ये 2b लिखना है ना, ये गलती हो 2b, तो चेक कर लो आप लोग भी, 2b ये मिलेगा 4a और ये मुझे मिलेगा सिंगल b, ठीक है, और ये मुझे मिलेगा 7 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, एक इक्वेशन यहाँ बन गई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब एक और कंडीशन है बाकी, अगर रोलेस थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस हो जाए तो एफ डैश सी और सी की वैल्यू ये भी बने स्टाइन,
इज इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा पहले, तो एफ डैश एक्स निकालो, आएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू ए, टू ए एक्स प्लस बी, और एफ डैश फोर ओवर थ्री इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि गिवन कंडीशन है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। यहाँ पर एंटर करो, थ्री मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटीन ओवर नाइन प्लस टू ए मल्टीप्लाइड बाई फोर ओवर थ्री प्लस बी। आप पहले थ्री की मल्टीप्लाई करो तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ थ्री रह जाएगा, बाद में थ्री का एलसीएम, चलो मैं ऐसा करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, नाइन आएगा एलसीएम भी, यहाँ पर मिलेगा सोलह, थ्री मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटीन प्लस यहाँ पर थ्री की मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा एट ए मल्टीप्लाइड बाई थ्री प्लस थ्री बी प्लस नाइन भी आ जाएगा, क्योंकि नाइन है यहाँ नाइन आ जाएगा, ये तो नाइन खत्म हो जाएगा, सब जगह थ्री आ रहा है, थ्री से और डिवाइड कर दो तो ये मुझे मिलेगा एट ए प्लस थ्री बी प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या सॉल्व नहीं हो पाएगा? एलिमिनेशन प्रोसेस लगाना, इसमें थ्री की मल्टीप्लाई कर दो, थ्री बी थ्री बी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक है क्लास। ओके, आज का लेक्चर खत्म करते हैं, रोलेस थ्योरम खत्म हो गई है, अब न्यूमेरिकल्स आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि ये जो बेसिक न्यूमेरिकल बताएं बस इससे ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड लेवल पे नहीं बनता है, और बिल्कुल इजी होता है, टू द पॉइंट होता है, क्योंकि रोलेस थ्योरम ऐसी थ्योरम है जो बहुत टीचर नहीं पढ़ाते स्टूडेंट्स को, थोड़ी टफ होती है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को नहीं समझा पाते, पर अगर आप समझ गए एक बार तो इस थ्योरम में है कुछ भी नहीं, ये न्यूमेरिकल आपके फ्री फंड के हैं। कल का न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे लैग्रांजेस थ्योरम, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।